हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द चैनल। और एक बार फिर से आपका दोस्त अमित आप सभी के साथ है। सो आज हम टर्निंग करने का एक बेसिक तरीका आपको बताने वाले हैं। इससे पहले भी मैंने इस टॉपिक पर वीडियो बनाया है, बट कुछ चीज़ें जो है उसमें मिसिंग रह गए थे। तो जो बिगिनर्स हैं वो फर्स्ट टाइम जब टर्निंग करते हैं तो उनका बैलेंस अनबैलेंस होने लगता है, ठीक है। तो आज उस पर बेसिक तरीके से हम बात करेंगे ताकि आप उसका रिहर्सल खुद से घर पर कर सकें। तो क्या है टर्निंग करने का बेसिक तरीका और क्या कुछ आपको नहीं करना है, तो आज इसी सब चीज़ पर हम बात करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियोज़ को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, आपकी गलतियां तो सभी से होती हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं उनसे भी गलतियां होती हैं, ठीक है। बट गलतियों को अगर हम जान जाएं कि ये गलतियां होती है तो फिर उस गलती को करना से क्या मतलब है, ठीक है। और जैसी कल्पना आप करेंगे वैसी आपकी रचना होगी। तो कल्पना आपको एक बेहतर करना है और बेहतर रचना के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको टर्निंग के समय क्या नहीं करना है, उसके बाद हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे, ठीक है। तो टर्निंग के समय हमें क्या नहीं करना है, सबसे बड़ी बात कि आप एक्सीलेटर को जब पकड़ते हैं, ठीक है, तो ये जो आपका फिंगर का ये जो कटिंग पॉइंट है इसको इस तरह से नहीं पकड़ना है, ठीक। इस तरह से आपको नहीं पकड़ना है, हमेशा ऐसे पकड़ना है, ठीक है। क्योंकि ऐसे में होता क्या है कि अगर थोड़ा सा भी आपका स्कूटी अनबैलेंस होगा तो आपका एक्सीलेटर ज़्यादा घूम जाएगा। तो पहला गलती आपको ये नहीं करना है। दूसरा गलती जो है आपको वो नहीं करना है कि जब आप टर्न कर रहे हैं तो आपको हाथ को इस तरह खड़ा नहीं करना है, ठीक है। बहुत सारे लोग पूरा स्टेयरिंग को घुमा करके हाथ को इस तरह से खड़ा कर लेते हैं, ठीक है। तो स्कूटी को उठाना नहीं होता है, ओके। स्कूटी को उठाना नहीं होता है, तो जब भी हम टर्न कर रहे हैं तो बस स्कूटी का स्टीयरिंग देखिए इतना पर सीधा है, और जब हम टर्न कर रहे होते हैं एक्सीलेटर दे करके तो बस स्मूथली, बस जिस तरह से आप स्मूथली एक्सीलेटर देते हैं उसी तरह स्मूथली आपको हल्का सा स्टीयरिंग घुमाना होता है, पूरा स्टीयरिंग नहीं घूमता है। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़ कि स्टीयरिंग जो है वो पूरा नहीं घूमता है, ठीक है। स्टीयरिंग हाफ घूमेगा और स्मूथली स्टीयरिंग को घुमाया जाता है, ठीक है। ये तीसरी चीज़ आपको पता चली कि ऐसे पूरा टर्न करके हाथ को खड़ा नहीं करना है, एक्सीलेटर को पूरा नीचे से नहीं पकड़ना है, स्टीयरिंग को पूरा नहीं घुमाना है, ठीक। अब जो है चौथी चीज़ हम बात करते हैं कि आपको क्या नहीं करना है। तो दोस्तों, जैसा कि हम जब स्कूटी चलाना स्टार्ट कर रहे हैं या कोई भी व्हीकल चलाना स्टार्ट कर रहे हैं, आपको पता है कि हमारा जो लेन होता है वो लेफ्ट वाला होता है ना। तो हमारा जो लेन है वो लेफ्ट होता है, राइट वाला लेन उधर से गाड़ियाँ सामने से जो हमारी आ रही है उसके लिए होता है कि वो सामने से क्रॉस कर सके, और हम हमेशा लेफ्ट वाले लेन में दब करके चलते हैं। तो थोड़ा सा मैं बताना चाहूँ, कैमरा का एंगल थोड़ा उस साइड घूमेगा। तो दोस्तों, जो हमारा लेफ्ट वाला लेन है, अगर हमें यहाँ से राइट क्रॉस करना है, ठीक है, इस राइट वाले रोड में जाना है, यानी कि राइट हमें टर्न करना है, तो कैसे हम टर्न करेंगे उस पर अभी हम बात करेंगे। तो हमारा लेफ्ट वाला लेन है इधर से जाने के लिए और ये राइट वाला लेन उधर से आने के लिए। तो हम हमेशा जब राइट टर्न करेंगे तो एक गाड़ी का स्पेस उधर से आने के लिए हमें छोड़ना ज़रूरी है। बहुत लोग गलती क्या करते हैं, जब राइट टर्न करते हैं तो पहले राइट दब जाते हैं उसके बाद टर्न करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मान के चलिए कि जब उधर से जो कोई गाड़ियाँ अगर इधर लेफ्ट टर्न कर रही हैं, उधर से आकर के लेफ्ट टर्न कर रही हैं, और आप राइट दब करके आप लेफ्ट जा रहे हैं, तो फिर दोनों में टकराव हो सकती है, ठीक है। तो हमें करना क्या है कि इस लेन से जा करके थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, पहले हमें राइट देखना है फिर लेफ्ट देखना है, उसके बाद अगर गाड़ियां नहीं आ रही हैं तो थोड़ा सा आगे बढ़ करके तब हम इस लेन को छोड़ के बगल से उसका हम क्रॉस करेंगे। तो समझ में आ गए कि हमें किस तरह से लेन का यूज करना है, ये चौथी चीज़, इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो मैं पहले बता दूं उनके लिए है जो एक लंबा एक्सीलेटर दे करके चलने लगे हैं, ठीक है, जो अभी ड्रिल कर रहे हैं या फिर उन्हें स्कूटी का एक्सीलेटर कमांड में नहीं है, वो इस चीज़ों को प्रैक्टिस ना करें। लेकिन हाँ, आगे फ्यूचर के लिए इस वीडियो को ज़रूर आप सेव करके रख लें अपने प्लेलिस्ट में, या फिर हमारे चैनल पर तो आपको हमेशा ये वीडियो मिल ही जाएगा। तो स्टार्टिंग डेज में करना क्या है, टर्निंग का जो
हमारा प्रैक्टिस है उसमें करना क्या है कि स्कूटी को पहले दोनों हाथ से आपको पकड़ लेना है, ठीक है। इस तरह से हम स्कूटी को पकड़ेंगे और पहले हम पैदल लेकर के चलेंगे ताकि हमें ये एक्सपीरियंस हो कि स्टेयरिंग कितना घुमाना है। दोस्तों इस ट्रिक को अगर आप आजमाइएगा, मैं भी अपने कस्टमर्स जो हमारे जो भी पार्टिसिपेट करते हैं ट्रेनिंग के लिए उन्हें मैं यही बताता हूँ पहले, और बहुत ईजिली और बहुत ईजी वे उनका ये प्रैक्टिस कम्प्लीट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से लेकर के आपको पहले स्कूटी को चलना है और अपने लेन में दब करके चलना है, ना कि आपको राइट वाले लेन में चलना है, ठीक है। पहले इतना लेकर के चलें, उसके बाद आपको पहले राइट देख करके लेफ्ट देखना है, ठीक है। नहीं आ रही है गाड़ियाँ तो एक गाड़ी का लेन जैसा कि मैंने बताया आपको छोड़ करके टर्न करना है। तो एक गाड़ी का लेन हमने छोड़ा और यहाँ से हम इजली ले करके टर्न कर गए, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रैक्टिस को जो है आप जब रनिंग कर रहे हैं, लंबा लॉन्ग रूट आप तय कर रहे हैं, बीच बीच में इस प्रैक्टिस को पैदल उतर करके आप टर्न करना स्टार्ट कीजिए, और कितना स्टेयरिंग घुमाना है वो भी आपको एक्सपीरियंस होगा। एक बात याद रखिए कि जब भी आप उतर करके जा रहे हैं तो स्कूटी का झुकाव अपने तरफ रखिएगा और सीट से थोड़ा सा डिस्टेंस बनाइएगा आप, ठीक है। सीट से डिस्टेंस बना करके स्कूटी का झुकाव अपने तरफ रख करके इसको धकेलिएगा। अब हम देखते हैं कि एक्सलेटर दे करके हम किस तरह से स्कूटी को टर्न करें, क्या कुछ उसमें ध्यान रखी जाती है, ठीक है। तो दोस्तों जब हम एक्सलेटर दे करके स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारियां जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है, क्योंकि टर्न करते समय ही जो एक्सलेटर है वो ज़्यादा चला जाता है क्योंकि कन्फ्यूजन आ जाती है। तो कभी भी जिस चीज़ को आप तैयारी कर रहे हैं, जिस चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले अपने अंदर जिम्मेदारियां लेना आप शुरू कीजिए। जब तक जिम्मेदारियां लीजिएगा नहीं, आप जिम्मेदारियों से भागिएगा, तब तक वो चीज़ें आपके लिए हार्ड ही होंगे, ठीक है। तो जिम्मेदारी लीजिए और कल्पना कीजिए कि आपको किस तरह से करना है, ठीक है। ये सक्सेस होने का सही से गाड़ी चलाने का ये समझिए तो गुरु मंत्र है कि आपको कल्पना करना बेहद ज़रूरी है, ठीक है। अब हम जब एक्सलेटर दे करके आप आगे बढ़ रहे हैं तो आपको सबसे पहले देखिए ध्यान क्या रखना होता है कि आप जिस भी स्पीड में जा रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं रखता है, वो मायने नहीं रखता है, लेकिन टर्निंग से आपको 10 कदम पहले एक बार एक्सलेटर को डाउन करना होता है। एक्सलेटर को डाउन हम इसलिए करते हैं ताकि स्कूटी का स्पीड स्लो हो सके और उस डाउन में हम राइट और लेफ्ट देख सकें, ठीक है। तो अगर स्पीड देते हुए राइट लेफ्ट देखेंगे, अगर अचानक से कोई गाड़ियाँ स्पीड में आ रही होगी तो आप भी टकरा जाइएगा और अगले को भी नुकसान होगा, इसलिए टर्निंग के पास हमें जो है एक्सलेटर डाउन करना होता है। तो डाउन करते समय अब होता क्या है कि जब हम स्टार्टिंग वे में हम आपको बता रहे हैं कि पैर को आप इस तरह हवा में रख करके टर्न कीजिएगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि पैर ऊपर किए और टर्न कर रहे हैं। दूसरी चीज़ क्या ध्यान में रखनी है कि जिस साइड भी आप टर्न कर रहे हैं, ये अगर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए तब इस चीज़ को कीजिएगा। दूसरी चीज़ क्या ध्यान में रखनी है कि अगर हम राइट टर्न कर रहे हैं तो हमारा राइट वाला पैर हवा में रहे तो और भी बेहतर है, ताकि स्कूटी का झुकाव उस साइड होता है, और जिस साइड हम टर्न कर रहे हैं स्कूटी का झुकाव भी आपका उसी साइड होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अभी हम करके देखते हैं कि स्कूटी रेस में कैसे हम टर्न करें, ठीक है। स्कूटी को हमने स्टार्ट किया और यहाँ पर गए, एक्सलेटर को डाउन किया और बस उतना ही स्टीयरिंग घुमाना है जितना आपसे स्टीयरिंग को होल्ड रखना है, ठीक है। जिस तरह से रेस जाने के लिए आप एक्सलेटर को वहीं पर होल्ड रखते हैं, उसी तरह टर्न करने के लिए जब आप टर्न कर रहे हैं एक्सलेटर को हल्का सा दे करके, ज़्यादा फास्ट एक्सलेटर नहीं देना है। टर्न करते समय जब आप जा रहे हैं एक बार एक्सलेटर को डाउन कीजिए और स्टीयरिंग को घुमा करके हल्का सा वहीं पर स्टीयरिंग को होल्ड रखिए, जब तक कि रोड आपको सीधा नहीं दिखने लगे स्टीयरिंग को सीधा मत कीजिए। रोड आपको सीधा दिखने लगा टर्न करके, उसके बाद हल्का सा एक्सलेटर दे करके स्टीयरिंग को इस तरह से सीधा करना है और आप बहुत अच्छे से टर्न कर पाएंगे, ठीक है। इसको नोट पॉइंट कीजिएगा कि जब भी आप टर्न कर रहे हैं एक्सलेटर को डाउन किए, उसके बाद स्टीयरिंग को घुमा करके होल्ड रखना है, और जब तक आपका टर्निंग सीधा नहीं दिखने लगे तब तक आप स्टीयरिंग को सीधा मत कीजिए, ठीक है। होल्ड रखिएगा तभी आपका स्टीयरिंग अच्छे से टर्न कर पाएगा। थोड़ी स्टार्टिंग में हो सकती है कि आपको डर लगे, लेकिन धीरे धीरे ये प्रैक्टिस करते करते आपका ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो जब स्टीयरिंग को होल्ड रखें
तो रोड जब सीधा दिखने लगा, हल्का सा एक्सीलेटर को दे करके स्टीयरिंग ऑटोमेटिक आपका सीधा होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और आप इस चीज़ को प्रैक्टिस में ज़रूर यूज कीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियोस को अपने प्यारे प्यारे हाथों से लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा इस तरह की वीडियोस के लिए। और चलिए मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में और एक इसी तरह की नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।